आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 566वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में रेलवे के अपडेट्स लगातार हमने आपको दिए हैं और रेलवे के अपडेट्स देने के साथ ही हमने रेलवे में किस गति से काम हुआ है ये भी आपको बताया है। अभी आज रैक पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि सिवनी से होकर गुजरने वाली इकलौती रेलगाड़ी जो नागपुर और जबलपुर के बीच चलती है, इस पटरी से ही होकर गुजरती है। हमारे पीछे जो पटरियां हैं, इन्हीं पटरियों से होकर वो रेलगाड़ी गुजरती है। इस तरफ अगर जाएंगे तो सिवनी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अगर आप और आगे जाएंगे तो छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा होकर नागपुर। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इस तरफ ये जो पटरियां जाती हैं, ये पटरियां यहाँ से नैनपुर भौमा कानीवाड़ा केवलारी नैनपुर होती हुई ये पटरियां पहुंच जाती हैं जबलपुर और बालाघाट, जबलपुर से रीवा, और यहाँ नागपुर से रीवा जो इतवारी से रीवा चलती है उस रेलगाड़ी को निरस्त किया गया है। वो रेलगाड़ी फिलहाल निरस्त की गई है। जो रेलगाड़ी चलती थी रीवा में, कुछ काम चल रहा है जिसके चलते 3 अगस्त से 25 अगस्त तक इसे निरस्त किया गया है। इसमें 11753 इतवारी से रीवा जो 9 दिन निरस्त की गई है, सप्ताह में 3 दिन चलती है, जो बालाघाट होकर जाती है। 11754 रीवा से इतवारी, वहीं से जो लौटती है उसे 9 दिन उसे निरस्त किया गया है। और 11755 जो इतवारी से रीवा, अर्थात इतवारी से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर, जबलपुर होकर रीवा जाती है, सप्ताह में 4 दिन, सोम बुध शुक्र शनि 4 दिन जो जाती है उसे 14 दिन के लिए निरस्त किया गया है। और 11756 रीवा से इतवारी, रीवा से आकर इतवारी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी, इसी मार्ग से जो नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलती है, उसे भी 14 दिन निरस्त किया गया है। तो इस तरह 3 से 25 तारीख तक ये रेलगाड़ियां निरस्त की गई हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि रीवा और नागपुर संभवतः दोनों सिरों पर यह बता दिया गया होगा रेल प्रशासन के द्वारा ये रेलगाड़ी निरस्त है, पर सिवनी में शायद ही किसी को पता हो कि ये रेलगाड़ी जो नागपुर से जबलपुर जाती है वो निरस्त कर दी गई है। निरस्त अगर की गई है तो रेलवे के पीआरओ जो नागपुर में बैठते हैं उन्हें कम से कम छिंदवाड़ा, सिवनी और रास्ते में जहाँ जहाँ वो रेलगाड़ी रुकती है वहाँ पर सूचना फलक पर सूचना लगवाई जानी चाहिए थी। सिवनी में सूचना नहीं है, सिवनी रेलवे स्टेशन में इस तरीके की कोई सूचना आज की तारीख तक नहीं है। सिवनी में चूंकि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, इसलिए अगर ये कहा जाए कि अभी इसमें सूचना लगाई जा सकती है, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं 5 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त 2023 को ये रेलगाड़ी यहाँ से निरस्त कर दी गई है। सिवनी, आपने पहले भी कई बार ये इस तरीके की बात सुनी होगी कि अगर भोपाल रेलवे स्टेशन पर किसी प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है तो हबीबगंज से रेलगाड़ी चालू की जाती है, अगर नई दिल्ली से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है तो निजामुद्दीन से भी चालू की जा सकती है, रीवा रेलवे स्टेशन पर अगर काम चल रहा है तो इस रेलगाड़ी को सतना से 3 तारीख से 25 तारीख तक सतना से इतवारी तक चलाया जा सकता था, पर उसको चलाने की बजाय उसे वहीं थाम दिया गया है रीवा और इतवारी दोनों सिरों पर। अर्थात तो सिवनी से अगर आपको जबलपुर जाना है या सिवनी से अगर आपको नागपुर जाना है, वैसे ये रेलगाड़ी सिवनी वालों के लिए, सिवनी वाले, सिवनी के निवासियों का जैसा कहना है, जो बार बार मीडिया में बातें आती हैं कि ये रेलगाड़ी यहाँ वालों के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं कि इसकी समय सारणी कुछ इस तरीके की, सवेरे 3 बजे 4:15 बजे के लगभग यहाँ से ये रीवा इतवारी की ओर जाती है और इतवारी से जब लौटती है तो रात 10:30 बजे के लगभग आती है, और 10:30 बजे आने के बाद 1:30-2 बजे रात को जबलपुर पहुंचती है। किसी उपयोग की ये रेल सिवनी वालों के लिए नहीं रह जा सकती। रीवा से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सिवनी, सिवनी से नैनपुर, नैनपुर से जबलपुर, ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से में अभी वर्तमान में रेलगाड़ियां नहीं है, तो इसकी समय
समय सारणी को बदला जा सकता था, इसकी गति यहाँ बढ़ाई जा सकती थी। यहाँ पर थोड़ी सी रेलगाड़ी तेज गति से चलाई जा सकती थी। रीवा से इतवारी जो रेलगाड़ी चल रही है, उस रेलगाड़ी को यहाँ पर तेज गति से चलाया जा सकता था। क्योंकि केंद्र का मामला है, केंद्र में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की बात सुनी जाती है तो विधायक की बात सुनी जाती है, माफ कीजिएगा, सांसद की बात सुनी जाती है। अगर प्रदेश सरकार की बात हो तो प्रदेश सरकार में विधायक की बात को तवज्जो दी जाती है, केंद्र में सांसद को तवज्जो दी जाती है। सिवनी से बहुत सारी रेलगाड़ियाँ चल सकती हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि बोर्ड तैयार है, पर बशर्ते प्रस्ताव यहां से भिजवाए जाएं। SECR के DRM के जरिए अगर प्रस्ताव भिजवा दिए जाते हैं तो पैंचवली एक्सप्रेस जो सिवनी तक आती है और सिवनी से नहीं छूटती, वो सिवनी से भी छूट सकती है। सिवनी तो छोड़िए आप, नैनपुर से भी छूट सकती है। आप अगर उसको प्रयास करते हैं तो बालाघाट से छूट सकती है, और अगर आप प्रयास करते हैं तो वो गोंदिया से इंदौर सीधी रेलगाड़ी हो जाएगी। क्योंकि गोंदिया से इंदौर हो जाएगी तो टाइमिंग उसकी बहुत सटीक होगी। वर्तमान में अगर आपको भोपाल जाना है तो आपको या तो सबेरे यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, शाम 4 बजे पहुँचेंगे, सारा दिन आपका ख़त्म हो जाता है। दिन भर के बाद आप शाम को जब भोपाल पहुँचते हैं तो सारे कार्यालय बंद हो जाते हैं, और बंद कार्यालय में आप ही बताइए कि वहाँ पहुँचकर आप किस तरह से बंद कार्यालय, अगर कार्यालय बंद हो जाते हैं शाम को पहुँचकर आप करेंगे क्या। मजबूरी है, सिवनी के निवासियों की मजबूरी है कि वे अगर जाते हैं तो उन्हें जाने के लिए सिवनी से अगर जाना है तो बस से जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, या तो यहाँ से आप छिंदवाड़ा जाएं, छिंदवाड़ा से पैंचवेली एक्सप्रेस पकड़ें। इस तरह से अगर सिवनी से रेलगाड़ियाँ चलवानी हैं तो सिवनी से अभी फिलहाल में 10 रेलगाड़ियाँ चल रही थी, जिन 10 रेलगाड़ियों दिन में इन पटरियों का उपयोग 10 बार हो रहा था, 10 बार में से 2 बार रीवा इतवारी और इतवारी रीवा, ये दोनों रेलगाड़ियाँ निरस्त होने से 25 तारीख तक निरस्त हैं, जिसके निरस्त होने से अब 8 बार रेलगाड़ी यहाँ से ट्रेन चल रही है। और अगर यहाँ पे सिवनी और माफ कीजिए बालाघाट और मंडला के सांसद चाहते तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ एक दर्जन से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चल सकती थी। क्रॉसिंग की जहाँ तक बात है तो क्रॉसिंग के लिए सिवनी में सिवनी रेलवे स्टेशन पर 2 पटरियाँ हैं, दोनों ओर पटरियाँ हैं जहाँ से रेलगाड़ी आप रोक कर क्रॉसिंग कराई जा सकती है। भौमा के बाद केवलारी, केवलारी के बाद नैनपुर, इस तरफ अगर जाएंगे तो सिवनी से समसवाड़ा, और माफ़ कीजिएगा सिवनी से पीपरडाई, चौरई, छिंदवाड़ा, हर जगह आपको 2-2 पटरियाँ मिलती हैं। इन 2 पटरियों में आप क्रॉसिंग करा सकते हैं। रेलवे बोर्ड या अधिकारी अगर ये कहते हैं कि सिंगल पटरी होने के कारण, एक ही पटरी नागपुर से जबलपुर के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रेलगाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकती, तो प्रश्न हमारा यही है कि जबलपुर से बालाघाट गोंदिया भी सिंगल पटरी है, एक ही पटरी है, वहाँ इतनी तादाद में गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। तो ये स्थिति आज यहाँ बनी हुई है, और इकलौती रेलगाड़ी है जो नागपुर जबलपुर के बीच चलती, नागपुर जबलपुर के बीच जो पैसेंजर रेलगाड़ी चला करती थी वो भी अभी नहीं चल पा रही है। पता नहीं ये कब चल पाएगी। देखा जाए तो बालाघाट के सांसद डॉक्टर हरसिंह सेन और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, ये दोनों को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र से होकर ये रेलगाड़ियां गुजर रही हैं। इतवारी से अगर पहले हाउबाग चलती थी, इतवारी हाउबाग एक रेल चला करती थी नैरो गेज में, अब वो रेलगाड़ी इतवारी से जबलपुर तक चल सकती है, चूँकि पूरा ट्रैक ब्रॉड गेज का हो चुका है। इसलिए इस लिहाज से छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ का भी ये दायित्व है कि वे रेलवे बोर्ड से बात करें और रेलगाड़ी यहाँ से चलाने का प्रयास करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 566वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 567वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।